गया मनीष कश्यप का खतरनाक वाला वीडियो आ गया। ताज बदल देंगे, आवाज बदल देंगे, यदि मनीष कश्यप के बारे में बोला तो तेरा तस्वीर भी बदल देंगे। प्यारे मेरे दोस्तों, यदि आप मनीष कश्यप को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को दबाकर शेयर मार दीजिए और मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा कमेंट में जारी कर दीजिए। प्यारे मेरे दोस्तों, बहुत दिन के बाद ऐसा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिस वीडियो को देखकर हर कोई गर्व करेगा मनीष कश्यप के चाहने वाले। आखिर कौन भड़ुआ है जो मनीष कश्यप के लगातार इस तरह से झूठा आरोप में डाला जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मनीष कश्यप की रिहाई चाहिए। प्यारे मेरे दोस्तों, यही कमेंट को जारी करा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है। प्यारे मेरे दोस्तों, मनीष कश्यप के समर्थक देखकर हर कोई हैरान है। आखिर मनीष कश्यप के लिए लोग इतना समर्थक क्यों कर रहा है? आखिर मनीष कश्यप ने वो लोगों के लिए क्या दिया है जो लगातार कमेंट में यही कहा जा रहा है कि भैया मनीष कश्यप कब तक रिहाई होंगे? तो प्यारे मेरे दोस्तों, इस वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखते ही आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप कब तक रिलीज होने वाले हैं और कब तक रिहाई मिलने वाले हैं। तो प्यारे मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और गरीबों का मसीहा कॉमेंट में जारी करिएगा। खबर शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं भैया कि एक निशांत वर्मा एक भड़ुआ लोग है जो भड़ुआ लगातार मनीष कश्यप की छवि को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मनीष कश्यप की कैरियर खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन निशांत वर्मा को यह नहीं पता है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले यूपी बिहार झारखंड में तूफान लाए हैं, जिस तूफान को देखकर पूरी सरकार का मंत्री नेता सब जानते हैं कि यदि मनीष कश्यप जेल से रिहा हो जाएंगे तो हम लोग को खैर नहीं, क्योंकि गरीबों का आवाज़ उठाने वाले एक मनीष कश्यप ही हैं। क्योंकि नहीं किसी से डरने वाले, किसी से लजाने वाले, सीधे कड़वे सवाल पूछने वाले, 1200 का माइक लेकर सिस्टम पर सवाल उठाने वाले सन ऑफ बिहार की बात कर रहे हैं साहब। वही बिहार का जिसने मनीष कश्यप ने पूरी तरह से बाट लगा दी थी नेताओं लोगों को, वो नेताओं लोग जो गरीबों का हक छीन लेते हैं, वो नेताओं लोग गरीबों से वादा करते हैं उस वादों को नहीं निभाते हैं, जैसे मनीष कश्यप ने जाकर उस बातों को रखते हैं तो कुछ लोगों नेता को लोगों को खलबली मच जाता है। आखिर निशांत वर्मा लगातार मनीष कश्यप पर आरोप क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि निशांत वर्मा भड़ुआ एव जानता है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले लगातार संख्या बढ़ रहा है, लगातार चाहने वाले अपील कर रहे हैं, लगातार चाहने वाले इतने लोग हैं जो उनके नाम से हम फेमस हो जाएं। लेकिन निशांत वर्मा तो फेमस हुए किया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि निशांत वर्मा को लगातार कितनी गालियां मिल रहा है, कितनी लोग गालियां दे रहे हैं, यहां तक हमारे कमेंट में भी लगातार गाली पर गाली दिया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग भाई भी गाली दे देंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि मनीष कश्यप को दिल से प्यार करते हैं, मनीष कश्यप को दिल में रखते हैं, इसीलिए तो मनीष कश्यप का हर वीडियो को शेयर किया जाता है। मनीष कश्यप का समर्थक में जो भी वीडियो बना रहा है सोशल मीडिया पर, उस वीडियो को हाईलाइट किया जा रहा है। मिलियन हो, चाहे 4 मिलियन हो, चाहे 5 मिलियन हो, हर वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का हाईलाइट में रहना है भैया। तो प्यारे मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, आपका हम सभी अपडेट एक एक पल के मैं देने वाला हूं, जिस अपडेट को सुनने के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे होंगे। आखिर मनीष कश्यप की कोर्टों में पेशी हुआ बहुत दिन के बाद दबदहाड़े थे। मनीष कश्यप ने कहे थे कि हमें बिहार का जेल में सुरक्षा नहीं मिल रहा है, बिहार के जेल में वो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जो इंसाफ बाहरी क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं साहब कि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो रहा था, जब मनीष कश्यप के चाहने वाले लगातार कह रहे थे कि मनीष कश्यप का गिरफ्तारी और लाखों करोड़ों वोट गवा देना बिहार सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। मनीष कश्यप का भाई का कहना है कि इसी महीने में मनीष कश्यप को रिलीज हो जाएगा यदि हम लोग मनीष कश्यप के समर्थक इसी तरह से करते रहे तो। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब भी इसी तरह से समर्थक सपोर्ट देते रहिए, कहीं ना कहीं आप लोग को समर्थक सपोर्ट को देखकर नेता लोग भी हैरान हैं कि आखिर एक पत्रकार के लिए लोग इतना समर्थक क्यों कर रहा है, आखिर एक मनीष कश्यप के लिए लोग इतना समर्थक क्यों कर रहा है। क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग भी पैसा मुर्गा दारू खिलाकर भी इतना भीड़ इकट्ठा नहीं करता है जितना एक मनीष कश्यप ने 1200 को माइक लेकर इतना भीड़ इकट्ठा कर दिया जाता है। सेल्फी लेने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी हो, दरोगा हो, चाहे कोई भी हो, यहां तक सभी को उनको लेकर एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते थे।
लेकिन प्यारे मेरे दोस्तों, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा NAI नहीं मिला, तो साहब अब गलत है। क्योंकि कुछ नेताओं लोगों को कहना है, अब भाई नौकरी कर रहे हैं, कहूं भी आप भी नौकरी करते हैं तो मालिक की बात आप भी मानते हैं, उसी तरह से पुलिस प्रशासन भी अपने नेता लोग को बात मानते हैं और मनीष कश्यप पर एक और FIR कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सभी FIR में बेल मिल चुका है। एक निशांत वर्मा है, बस उसी को एगो केस बच गया है, उस केस को ही बहुत जल्दी बेल मिल जाएगा। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि रवि भट्ट पर जो लगाया हुआ निशांत वर्मा, चाहे कौन कौन लगाया था केस, उनका भी बेल मिल चुका है, वो तो जेल गेवे नहीं किए। लेकिन मनीष कश्यप को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो वीडियो को दबाकर शेयर करें, पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा, कॉमेंट में जय हिंद लिख दीजिए।